गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जी, रामनगर में मेरी सुबह हो चुकी है और सुबह माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई, क्योंकि गार्डन में जाके देखा तो बारिश हो रही थी, किचन में आके देखा तो नाश्ता बन रहा था तो देखिए यहाँ पर सबने मिलजुल के काम किया है। और जी, यहाँ आम काटे गए हैं, मैगी बनाई गई है, एग बॉईल किए गए हैं, और माशाल्लाह से काफ़ी सारी लेडीज़ थी घर में, तो सब ने कुछ ना कुछ काम किया है, एक दूसरे की हेल्प की है। और जब सब होते हैं तो इतना मज़ा आता है ना, मतलब बातें करते करते काम करने में, तो बस हम वही मज़ा ले रहे थे, नाश्ता बनाकर, नाश्ता खाकर और सब लोग इकट्ठे होकर। तो जी, ये मतलब हर फैमिली में ऐसा होना चाहिए कि जैसे ख़ास मेंबर हैं, जैसे भाई बहन हैं, पास के हमारे जो जैसे रिलेशन होते हैं ना, उनके साथ इस तरह का रिलेशन, एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि आप लोग एक जगह इकट्ठे होके मिल सकें और उन पलों को अच्छे से बिता सकें और जी सब साथ में रह सकें। मतलब बात ही कुछ और हो जाती है खैर ऐसे रिलेशन की तो, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है सब जगह ये चीज़ें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और जी, यहाँ पर ये एग कट हो रहे हैं और थोड़ी गड़बड़ भी हो गई थी। अच्छा, नाश्ता करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पर ये प्लांट्स वाले भैया आए हुए थे जिनसे मेरी सिस्टर प्लांट लेती हैं। इनके बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, क्योंकि रामनगर में जो यहाँ की जो मिट्टी और एटमॉस्फेयर है ना, तो काफ़ी अच्छा होता है और जी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ मेरी भाभियाँ बहनें सब लोग प्लांट्स ले रहे थे और इतने सारे इन्होंने प्लांट्स लिए हैं, देखें ये कम हैं और भी ज़्यादा थे और उसके बाद फिर मैं पीछे लॉन में आ गई हूँ। यहाँ पर बारिश हो रही थी, इतना मज़ा आया, मैं बारिश में नहाई और मेरे साथ मेरी भाभी भी, बहन भी, सब ने खूब मज़ा किया हमने। मतलब मेरी तो तमन्ना थी कि बारिश हो और मैं बस नहाऊँ, इस ग्रास में चलूँ और बस खूब मस्ती मारूँ। तो उसके बाद बस शाम में फंक्शन था तो यहाँ पर हम लोगों ने मेहंदी लगा ली थी सब ने थोड़ी थोड़ी सी। और जी, मेहंदी के बाद फिर मैं वापस से मैंने बाहर आई हूँ तो बाहर से देखी फिर से बारिश हो रही है यहाँ। मतलब लगातार इतनी बारिश हुई है यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये, तो बारिश और मौसम फौरन से चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। और बारिश भी इतनी अच्छी वाली पड़ी थी ना कि मज़ा आ गया था नहा कर उस। इतना दिल चाह रहा है बोलने का मेरा, बोल नहीं पा रही। अच्छा, हज से आने के बाद जो मेरी सिस्टर, उनका गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, तबीयत थोड़ी ख़राब रही उनकी, तो वीडियो भी मैं थोड़ी थोड़ी ही बना पाई थी। तो ये यहाँ पर फ्रूट्स थे, ये इन्हीं के बगीचे के हैं, नाशपातियाँ थी, बेर थे और जी बहुत सारे इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं फलों के। अब जब आएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये इनका पोता है, यहाँ पर ये खेल रहा था, बहुत ही क्यूट सा है, बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें कर रहा था ये। तो हम सब बस यहीं बैठे थे एक ही झूले पर। और जी, ये जिब्रान आए हैं अंदर से, ये अली इनके फ्रेंड हैं, तो बस ये दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं सब लोग, थोड़े से हमने फ़ोटो लिए, थोड़े से हमने रील बनाई। और ये हम जाते हुए, अच्छा इस टाइम भी इतनी तेज़ बारिश थी ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप मिरर पे देखो कितना पानी गिर रहा है। और यहाँ पर हमने खाना खाया, बहुत ही टेस्टी खाना था। ये हमने घर से थोड़ा अलग मतलब कम्युनिटी हॉल में रखा था, तो लिमिटेड ही मतलब गेस्ट थे यहाँ पर, ज़्यादा नहीं थे। तो बस उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे और घर पे आते हुए देखिए बारिश किस कदर है। खोल रहा हूँ, बारिश देखो ये अच्छा आ रहा है, सबका अच्छा आ रहा है, इसमें ज्यादा नहीं आ रहा। हाँ, मैं सब।
खाना करो। रील बनाते हुए वो हम क्लिप ले रहे थे, उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे तो यहाँ पर फिर नाश्ता लगाया गया उनके लिए और बस सबने बैठ के खूब बातें बनाई हैं, खूब रील बनाई है। लेकिन होता ये है कि बस मैं उनके फेस नहीं ले सकती तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रॉप करना पड़ जाता है, क्रॉप की वजह से ये थोड़ी सी हाफ हाफ पिक नज़र आती हैं आप लोगों को, तो ये आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, मसला है अभी। आप मुझे जल्दी से वायरल कर दें, मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वा दें तो हो सकता है मेरे फैमिली वाले भी कैमरे पर आ जाएं। तो मेरी हेल्प कीजिए अभी, ओके। ये देखिए मेरी भाभी बहन की नज़रें अभी इनके प्लांट्स पर है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हैं कि उन्हें और कौन कौन से लेके जाने हैं, मतलब उन्होंने उन भैया से भी ख़रीदे हैं, अब इसी गार्डन में से भी वो लेके जाएंगी। अच्छा, यहाँ इतना सारा प्लांट है ना कि इसमें से तो आप 10-20 में ले जाए ना तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हम सब बस यहीं से थोड़े थोड़े से ले आए थे। अच्छा, मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, मैंने सिर्फ 3 प्लांट लिए थे। वो भी मिलती है ना ऑनलाइन? हाँ मिलती है, है ना, वो अच्छी लगती है। ऐसा लग रहा है दो पड़ोसन बात कर रही हैं। मैंने अभी वो बनाया था, वो नहीं आजकल बॉल वाला कोकोडामा क्या होता है, वो बनाया था। क्या चीज़? आई वाली को लगानी पड़ेगी तो मैं वो देख रही थी घर पे कैसे बनाते हैं, तो उसमें और यहाँ पर ये हमारे खालू बाबजी और मामू बैठे हुए हैं सब लोग साथ में, और मैं यहाँ अंदर से थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सब लोग आसपास बैठे थे मेरे और बातें कर रहे थे। और यहाँ पर ये जो हमारी दुल्हन है उनकी बैंगल्स और रिंग्स देख रहे थे और बड़े मन ही मन खुश हो रहे थे कि अरे वाह हमारी रिंग पहनी हुई है मुंह दिखाई की। तो बस यहाँ पे ये चर्चाएं चल रही थी। और जी, आप लोग भी मेरा व्लॉग या मेरी जो वीडियोस हैं वो कैसी लगती हैं, आप लोगों को कोई कमी हो तो वो बताइए जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, देखिए मतलब वॉइस ओवर करते करते मेरा गला ना बैठने लगा, तो खैर कोई नहीं। तो यहाँ पर हम किचन में आ गए हैं, यहाँ मेरी जो ड्यूटी थी वो थी दही फुल्की बनाने की, तो ये दही फुल्की मैं बना रही हूँ। अच्छा, ये जो दही फुल्की है ना मैं बना रही हूँ, ये मैंने ओखला में खाई थी और बहुत ही टेस्टी थी वहाँ की ये दही फुल्की, मतलब उसमें ना बहुत ही प्यारा सा खट्टापन था, उसमें मिर्ची थी, उसमें प्याज थी, बहुत हल्की सी भुनी हुई चाट मसाला वगैरह था, तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए मैं दही फुल्के बना रही थी, मेरी भाभी बिरयानी बना रही थी और जो बहू रानी है वो कबाब की तैयारी कर रही थी। तो जी, सबकी ऐसे ऐसे ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ बहुत बारीक बारीक जैसे चॉप करते हैं उसके लिए, दही फुल्की के लिए। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च काटी है, प्याज है और तो जी ये हमने प्याज काट दी है, हरी मिर्च है, ये धनिया है और अब हम बाद में बना लेंगे उसको ऐसे पकड़ते हैं। तो जी ये घर का बना हुआ केक है और बहुत ही टेस्टी, मैं थोड़ा खाती हूँ, मेरी नीज ने बनाया है, बहुत एक्सपर्ट है वो इन चीज़ों में, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी। तो जी यहाँ पर खाना बन रहा है और साथ में चल रही है मार्केट जाने की प्लानिंग, तो बस थोड़ी देर बाद हमें मार्केट के लिए निकलना था और मुझे जल्दी से अपना टास्क ये पूरा करना था। तो ये टास्क पूरा करने के लिए मेरी हेल्प की मेरी सिस्टर की जो नंद है, उन्होंने बहुत प्यारी हैं और बहुत हेल्पफुल हैं वो, तो यहाँ पर उन्होंने पकौड़ी बनाई थी और मैंने ये किया था और यहाँ बहू रानी हमारी ये कीमे को सेट कर रही थी, तो बस इस तरह से हमारे ये सारे काम हो रहे थे यहाँ पर। और जी मेरे ख़्याल से इसी दिन जाना भी था दिल्ली के लिए, मतलब ये भाभी और बहन हमारी जो फैमिली थे इन लोगों को जाना था और मैं रुक गई थी यहाँ 2 दिन और एक्स्ट्रा क्योंकि सिस्टर ने मुझे रोक लिया था। तो बस जी यहाँ पर ये बिरयानी रखी जा रही है और जी बस इसी के साथ अभी ये वाला व्लॉग मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। आप मेरे चैनल पे बने रहें क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखने वाली है हमारी शॉपिंग
और जी बहुत सारी और भी चीज़ें, बहुत सारी मस्तियाँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जी खुश रहें, सेहतमंद रहें और प्यार बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।